अजमेर के सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हार्डकोर को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जिसे फिर से जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एएसआई मानसिंह ने बताया कि दिसंबर माह में हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल मिला था, जिसकी जांच की गई तो पाया गया कि यह मोबाइल हार्डकोर अपराधी दीपक के पास रखा था। इस मामले के बाद आरोपी को सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश के निर्देश पर अग्रिम अनुसंधान किया गया। ये दीपक मलिक है जो हाई सिक्योरिटी जेल से लेकर गए हैं इसको। थाने के 297 मुकदमा नंबर है 42 कारागार अधिनियम में, जिसको न्यायालय में पेश किया है। वो वापस न्यायालय बाद में डिग्री थोड़ा जाएगा। कहाँ मिला था मोबाइल? मोबाइल हाई सिक्योरिटी जेल में, 42 कारागार अधिनियम में। घटना कब की है जब मोबाइल मिला था? घटना तो पिछले काफ़ी समय, 12 महीने की। नाम बता दें। राम सिंह। ऐसे खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।